थाना माकड़ी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हीरापुर साप्ताहिक बाजार में दिनांक 8/6/2023 को हुई 2 लाख रुपए की चोरी के प्रकरण में दिनांक 13/6/2023 को दो आरोपियों को गिरफ्तार कर पूर्व जेल में भेजा गया है। चोरी में संलिप्त अन्य फरार आरोपियों के पता तलाश व गिरफ्तारी हेतु कोंडागांव पुलिस अधीक्षक श्रीवाह अक्षय कुमार के नेतृत्व में थाना माकड़ी एवं साइबर सेल से टीम गठित कर अन्य फरार आरोपियों की लगातार पता तलाशी की जा रही है। पता तलाश के दौरान मुखबिर सूचना पर ग्राम एरला क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा में घेराबंदी कर प्रकरण से संबंधित अन्य 6 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर ग्राम हीरापुर साप्ताहिक बाजार से पैसा चोरी करना स्वीकार किए। उक्त आरोपियों ने इसके अतिरिक्त कोंडागांव जिले के साप्ताहिक बाजार एवं मेला स्थल से बड़ी संख्या में मोटरसाइकिल चोरी करना कबूल किया। आरोपी जन हरिजन एवं शराबू भतरा चोरी के मोटरसाइकिलों के नंबर प्लेट बदलकर मोटरसाइकिल को अन्य व्यक्ति को बेचते थे। दोनों आरोपियों को ग्राम एरला क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा में घेराबंदी कर पकड़कर हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर घटना में संलिप्त रहना स्वीकार किया। आरोपियों के कब्जे से हीरापुर साप्ताहिक बाजार में चोरी किए गए रकम में से 40,000 रुपए को जब्त किया गया। पूर्व में भी गिरफ्तार 2 आरोपियों से 27,000 रुपए जब्त किए गए थे। चोरी किए गए शेष रकम को आरोपियों द्वारा खर्च करना बताया है एवं आरोपी गड़ों द्वारा अलग अलग जगहों से चोरी किए गए मोटरसाइकिलों को अपने साथी जैन हरिजन व शराबू भतरा के पास होना बताया। उन्होंने आरोपी जैन हरिजन के कब्जे से ग्राम भीमा गुड़ाग में 6 नग मोटरसाइकिल एवं आरोपी शराबू भतरा जिला नवरंग ओडिशा के कब्जे से ग्राम गिरला में 9 मोटरसाइकिल सहित कुल 15 नग मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। उक्त आरोपियों को थाना माकड़ी के अपराध क्रमांक 25/2023 धारा 389/147 भादिव एवं अपराध क्रमांक 14/2023 और अपराध क्रमांक 29/2023 धारा 389/34 भादिव तथा दिनांक 21/6/2023 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अच्छी कामयाबी मिली है, क्या है पूरा घटनाक्रम बताएंगे? एक्चुअली आप देखेंगे तो 8 तारीख को आपको पता है 8 जून को हीरापुर साप्ताहिक बाजार में चोरी हुआ है 2 लाख का चोरी। उसमें जो आरोपी जिसमें इन्वॉल्व है 2 लोगों को हमने जेल भेज दिया है। आपको पता है प्रीवियस प्रेस ब्रीफिंग में 2 लोगों को आपके सामने पेश करके हम रिमांड पर भेज दिए हैं, 13 तारीख को भेज दिए हैं। इसके बाद इसमें हमको पता चला कि इसमें और भी एक्यूज इन्वॉल्व है, तो फिर हमने एक स्पेशल टीम गठन की है लेड बाय निमितेश और उसमें हमारा साइबर सेल की स्टाफ भी मौजूद है और अपना माकड़ी थाना स्टाफ भी मौजूद है। तो फिर ये लोग बहुत अच्छा काम किए हैं। ये हम जो चोरी के लिए ढूंढ रहे थे लेकिन और भी एक रास्ता उसमें खुल गया है। ये लोग एक्चुअली बाइक चोर का ग्रुप है। ये लोग हम 8 आरोपी को गिरफ्तार किया है अभी और 15 बाइक गिरफ्तार किए हैं। ये लोग एक्चुअली क्या करते हैं, जो अपना बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का नवरंगपुर है, तो नवरंगपुर से ये लोग इधर आना जाना करते हैं। जब भी कोई साप्ताहिक बाजार होता है नहीं तो मेला मड़ा इंस्पेक्टर होता है, ये लोग आते हैं और बाइक चोरी करके उधर चले जाते हैं और उधर जाने के बाद उसका नंबर प्लेट हटा देते हैं और उड़ीसा नंबर प्लेट उसको अटैच करते हैं और उसका चेसिस नंबर ऐसे रहता है, लेकिन वो किसी को पता नहीं चलता। वो बाइक कम दाम में वो लोग बाहर बेचते हैं। ये इन लोगों का मॉडल साफ कर लिया है। हमने बहुत अच्छा कार्रवाई करके ये लोग रात भर ये लोग वर्क करके 8 आरोपियों को गिरफ्तार किए हैं। इसमें हम कुछ आरोपियों को दमदली से भी गिरफ्तार किए हैं और कुछ आरोपियों को नवरंगपुर से गिरफ्तार किए हैं। टोटल 8 आरोपी है और 15 बाइक जब्त किए हैं। और जो चोरी 2 लाख का हुआ है उसमें से उस समय आप अगर आपको याद रहता है तो 27,000 रिकवरी उस समय किए थे और उसी में से 40,000 का रिकवरी अब किए हैं और 15 बाइक्स और 40,000 कैश। सर क्या उड़ीसा क्षेत्र में